तुझे बस अपनी पड़ी है, डायमंड सेट कहाँ से लाऊं मैं? तू अपनी अपनी सोचती रहे बस। अरे कभी मेरी भी सोच लिया कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारा तो हाथ है ना जिंदगी भर टाइट रहेगा, पर इस बार सुन लो, मुझे एनिवर्सरी पर डायमंड्स का सेट चाहिए, समझ गए ना? चाहे कैसे भी करो। दिमाग खराब कर रखा है इस आदमी ने, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तो। ना कहीं घुमाने ले जाना ना कोई, अरे दुनिया इतने महंगे महंगे गिफ्ट देती है अपनी बीवियों को, पर ये है कि अरे प्यार से पेट भरता है क्या? हेलो। हेलो प्रिया, कैसी है तू? बढ़िया हूँ, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। हाँ बोल, आज कैसे याद किया? अच्छा ये बता, तू घर पर ही है या कहीं बाहर है? घर पर ही हूँ, क्यों? वो मैं आने की सोच रही थी, मुझे ना तुझसे कुछ काम था। अच्छा तो आ जा, अभी आ जा आना है तो, क्योंकि है ना शाम को तो मुझे ना बाहर जाना है। ठीक है, मैं अभी आ जाती हूँ थोड़ी देर में। कॉफ़ी अच्छी बनाई है। और बता, सब ठीक है? सब ठीक चल रहा है। बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे भी ठीक है, अब तो छोटे वाले का भी प्ले स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो क्या काम था बोल। कैसे कहूँ, कहाँ से तो शुरू करूँ, बात ऐसी थी कि वो, अरे जो भी बात है तो साफ साफ बोल दे। देख मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, बता क्या बात है। दरअसल बात ऐसी है, इनकी जॉब छूट गई है, 4 महीने हो गए और अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। मेरी सैलरी में बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च दोनों पूरे हो नहीं पा रहे। अब तक तो हो गया था, पर अब थोड़ी सी ना पैसों की दिक्कत आ रही थी। अगर तू थोड़ी सी मदद कर सके तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कैसी बात कर रही है तू भी, बता कितने पैसे चाहिए? यही 9-10 हज़ार रुपये, पर जैसे इनकी जॉब लग जाएगी ना मैं लौटा दूंगी। बस इतनी सी बात? मैं तो सोच रही थी कि तू 1-1.5 लाख दे दूंगी मैं। थैंक्स यार, मैं तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगी। बस बस, दोस्ती में एहसान कैसा। पर देख कहीं तू ऐसा करके अपने पति को ना निठल्ला ना बना दे। मतलब ये कि कहीं उसके दिमाग में ये ना आ जाए कि तू कमा तो रही है, उसको क्या ज़रूरत है कमाने की, और यही कोई कारण ना हो उसके जॉब ना मिलने का। देख वो कहीं जॉब ना मिलने का बहाना तो नहीं बना रहे? नहीं यार तू गलत समझ रही है, ऐसा नहीं है कि इन्हें जॉब नहीं मिल रही है। जॉब तो मिल रही है, पर वही 7-8 हज़ार रुपये की मिल रही है। अब ये इतनी मेहनत भी करेंगे और हाथ में भी कुछ ऐसा आएगा नहीं, तो मैंने ही मना कर दिया था कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी इतने पैसों में 3-4 हज़ार रुपये तो किराए भाड़े में ही निकल जाएंगे इनके, तो हाथ में क्या आएगा। तो मैंने ही कह दिया थोड़ा और रुक के। और तो ये बता, पहले क्या जॉब कर ही नहीं रहे थे? वो तो इनकी कंपनी ही बंद हो गई, नहीं तो भगवान की दया से सब ठीक ठाक चल रहा था। पर अचानक अब और पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे पे विश्वास रखना पड़ता है। वो तो तेरी बात ठीक है, पर यार घर चलाने की जिम्मेदारी तो पति की ही होती है, औरत की थोड़ी होती है। औरत की तो खाली घर संभालने की होती है। नहीं यार, यहाँ पर तू गलत है। घर चलाने की और घर संभालने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, ना किसी एक की। अगर किसी वजह से कोई भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से मजबूर होता है, तो दूसरे का फर्ज बनता है कि वो उसका साथ दे, ना कि पीछे हट जाए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में इतना तो विश्वास होना चाहिए ना, है कि नहीं? और तभी तो पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी कहलाते हैं। शायद तू सही कह रही है, मैं ही अपने इस रिश्ते को शायद समझ नहीं पाई। मतलब क्या नहीं समझ पाई, कहना क्या चाह रही है?
कुछ नहीं, शाम को आएंगे तो इनसे माफ़ी मांग लूँगी। माफ़ी मांग लेगी? क्या बात हो गई? सब बताऊँगी तुझे, पर अभी नहीं, कल। ला मुझे पैसे दे दे, फिर मुझे जाना भी है, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। हाँ हाँ अभी लाई। हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी मानते हैं कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति की और घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की होती है, या फिर दोनों की बराबर की होती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।